नमस्कार दोस्तों, आज हम उदयपुर जिले के डबोक क्षेत्र में जहाँ पर नंदेश्वर धाम पड़ता है, हम वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है जहाँ पर लखनदास जी महाराज जी काफ़ी समय से यहाँ पर अपनी संत की भूमिका निभा करके इस क्षेत्र को बहुत ही लाभान्वित कर रहे हैं। और यहाँ उनका एक मन था कि श्री राम जानकी मंदिर बनाया जाए, जो कि पत्थर में बने पंछी पहाड़पुर के, और उसके लिए उन्होंने लखन जी जो कॉन्ट्रेक्टर है उनसे भी हमारी मुलाकात कराई थी यहीं पर, और हम दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया। और अब यहाँ जो इसका 3D बना है और अब यहाँ के जो क्षेत्रवासियों ने उस प्रोजेक्ट को देखा है, तो अब मेरे साथ में है जगदीश जी जोशी जी, तो उनके क्या विचार है उस प्रोजेक्ट को और वीडियो को देखने के बाद में, आइए हम इनसे ही जानते हैं। प्लीज़। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जगदीश जोशी नांदवेल, यहाँ नंदेश्वर मंदिर के पुजारी हैं। हम यहाँ कई वर्षों से यहाँ के पुजारी हैं, तो हम सेवा करते हैं। आपके द्वारा जो 3D वीडियो बनाया है वो वास्तव में सराहनीय है। हम देखकर प्रभावित हुए, हमें ऐसा लगा कि ये मंदिर साक्षात रूप में हमने देख लिया अभी से, तो बहुत ही अच्छा शानदार बनाया, वास्तव में तारीफ़ काबिल है। यहाँ प्रभु की कृपा, भोलेनाथ नंदेश्वर बाबा की इस नगरी के ऊपर भी खूब कृपा है, और हमारे यहाँ राम लखन दास जी त्यागी गुरु जी जो हैं वो यहाँ इस स्थान पर रामानंद आश्रम पर विराजते हैं। आपके द्वारा, आपके सानिध्य में ये मंदिर बनने जा रहा है। हम उनके सभी ग्रामवासी और हमारे आजू बाजू के जितने भी इलाके हैं सभी उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर तैयार हैं इस मंदिर को निर्माण करने के लिए। पत्थर में ही ये मंदिर बनने जा रहा है और करीबन 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो हमें अभी तक तो मालूम नहीं है कि कहाँ से आएगा, पर ये प्रभु की कृपा है, ये ज़रूर कहीं न कहीं से व्यवस्था होगी और ये मंदिर बहुत ही जल्दी बनने जा रहा है, बनेगा। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहे और इस मंदिर को अच्छे से अच्छे बने, ऐसी रूपरेखा बनाकर आप हमारे साथ बने रहें। आप जो आपकी टीम है जी। दिलीप जी, हर्षित जी और शेखर जी के द्वारा जो 3D वीडियो जो बनाया है वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। आपकी टीम सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लगा हमें, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने ये मेहनत करके जो वीडियो बनाया है वास्तव में तारीफ़ काबिल है, और हम आपका नंदेश्वर नगरी नांदवेल की तरफ से, पुजारी मंडल की तरफ से और हमारे गुरुदेव श्री राम लखन दास जी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। हम लोग जब पहली बार यहाँ आए थे तो महाराज श्री का जो एक विचार था कि यहाँ पर एक सुंदर सा पत्थर में मंदिर बनाया जाए, उसके लिए बहुत कम स्पेस था, लेकिन उस कम स्पेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमने आपको प्लान के अंदर बताया है कि एक बहुत छोटे शेप में, यानी स्पेस बहुत कम होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर पूरी तरीके से मंदिर के जो आर्किटेक्चर में जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो फीचर्स होने चाहिए थे वो सारे फीचर्स हमने इसमें देने की कोशिश की है, जिसमें आप देखेंगे गर्भगृह, उसके साथ में बाहर का जो परिक्रमा है, सभा मंडप है, और उसमें जो भी उसके आसपास की जो चीज़ें हमें बननी चाहिए थी, अंदर जो चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही साथ में सामने हमने एक यज्ञ स्थल जो है वह भी हमने देने का पूरा प्रयास किया। स्थान बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। यहाँ की जो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, महाराज श्री का जो तप है वो यहाँ पर आते ही हमें महसूस होता है। जैसे ही मेरे पास प्लान आया तो मैंने उस प्लान को देखा अच्छी तरीके से, उसमें सारे चीज़ देखने के बाद उसके साइड की फ़ोटो भी देखे, मैंने देखने के बाद मेरे को लगा कि ये इतनी कम जगह में कैसे बनेगा। तो फिर इसके लिए मैंने महाराज श्री से भी बात की और शेखर सर से भी बात की, तो उन्होंने भी मेरे को समझाया और महाराज श्री ने भी बताया कि हमको कैसे क्या करना है। हमने इनकी जो प्लिंथ लेवल लिया है वो 3 फीट लिया है, उसके बाद हमने जो सारी डिज़ाइन ली है वो सारा चीज़ें देखते हुए किया, जैसे कॉलम हो गया, कॉलम में सारी बारीकी डिज़ाइन की है, जिसमें वो नागफणी भी अपन ने हमने लगाई है, तो आर्चेस के जगह हम नागफणी आर्चेस लगाए हैं, और उसमें शिखर में भी हमने बहुत सारी मेहनत की है और सारी एक नई डिज़ाइन है और सारी पत्थर में और सारी बनने लायक डिज़ाइन है हमने जो यूज ली है, और ये मंदिर इस जगह बनेगा। महाराज श्री हमारे बीच में थे जो हमें गाइड कर रहे थे और सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हुए हमने पूरा मंदिर तैयार किया है। बेडस नदी के किनारे जो ये नंदेश्वर धाम जो आप देख रहे हैं पीछे, इसकी लैंडस्केपिंग का काम मुझे मिला था, जो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेडस नदी जो है और इसकी जो बाहर के जितने भी भवन वगैरह जो बने हुए हैं, मंदिर है पीछे,
तो इस चीज को बनाने में मेरे को काफी मतलब चैलेंज महसूस हुआ कि लग रहा था कि मतलब ये काम आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र के कहने पर उन्होंने जैसा बताया था हमारे को कि किसी मतलब किसी भी चीज में कोई चेंजेस ज्यादा नहीं करना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सब कुछ उन्हीं के आदेश के अनुसार जैसे जैसे उन्होंने बताया कि हमारे को ऐसे करवाना है तो हमने उसी टाइप से सारा वर्क किया है। और मंदिर के अंदर जो भी बाहर के लैंडस्केपिंग भवन वगैरह और बाहर की साइड जो एक छोटा मंदिर बना हुआ है, जो शिव जी की जो एक शिवलिंग लगा हुआ है वहाँ पे, उसको भी हमने प्रॉपर डिजाइन किया है। उसमें जो जितने भी छोटे छोटे स्टेचू बने हुए हैं वो हमने एकदम उसी तरह डिजाइन किया है जैसा कि उन्होंने बताया था हमारे को। ऊपर आप देख रहे हैं जो ऊपर की सारी वॉल्स वगैरह है उस पर भी हमने काफी अच्छी डिजाइन यूज में ली है। हमारा इस साइड पे फर्स्ट टाइम आना हुआ है, किसी कारणवश हम पहले जब हमारे को वर्क मिला था तो उस साइड का हम मतलब साइड पे विजिट नहीं कर पाए थे। साइड के सारे फोटोज और वीडियोस को देखकर ही हमने सारा वर्क किया है, तो ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुआ कि इस तरह से वर्क करना काफी चैलेंजिंग होता है। तो फिर भी हमने सारी कोशिश अपनी की है और जब हमारा यहाँ आना हुआ साइट पर, तो आज जब महाराष्ट्र को जब हमने फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह जब दिखाए, उन्होंने हमको बोला कि ये काफी सब कुछ अच्छा बना हुआ है और जो जो हमने बोला था वो सब कुछ आपने बताया है हमारे को इस चीज मतलब वीडियोज और फोटोज में, तो उनको काफी अच्छा लगा इस चीज। नंदेश्वर महादेव की जय, श्री राम जानकी भगवान की जय। आज जो है इंडियन आर्किटेक्ट द्वारा हमारे राम जानकी मंदिर का जो नक्शा निर्माण और जो भी कार्य चल रहा था, बड़ी संतुष्टि पूर्वक दो मंडल उदयपुर मंडल, एक संत सखा मंडल संतों के विशाल भंडारे में, और हमारे शेखर भाई जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने आकर इसकी 3D दिखाई और सभी संत बहुत प्रसन्न और सराहनीय है। और आगे के लिए जो भी कार्य होंगे हमारे शेखर जी इंडिया आर्किटेक्ट द्वारा ही इस आश्रम का निर्माण किया जाएगा। जय श्री सीताराम। आपका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर बना रहे और हम लोगों से जितना हो सकेगा बेहतर से बेहतर इसे करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया। उम्मीद है कि अतिशीघ्र मंदिर बन के तैयार हो और इस मंदिर की जो प्रोग्रेस रहती है, जैसे इस पे काम शुरू होता है या इसके बाद में इसके जो स्टेप बाय स्टेप जितना भी काम होगा, हम हमारे दर्शकों के लिए वो सारी अपडेट्स इस आने वाले वीडियोस के अंदर लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजेक्ट पूरा देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर नए किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।